Assalamualaikum guys, मैं तुहाडा अपना दोस्त अदनान तो तुसा मेरा चैनल वेदे पेवे अदनान कराची व्लॉग्स। उम्मीद करदा तुसा सारे ठीक हो सो, अल्लाह पाक तुहाको सलामत रखे, लंबी जिंदगी देवे। आज न्यू व्लॉग दे नाल हाजिर होया। आज दे व्लॉग मेरा बहुत ही खास होने वाला है, मेरे वास्ते तो खास है, तो मेरे व्लॉग को जड़े ना पूरा देखना है। आज साड़ी रवानगी है बहुत ही मशहूर हस्ती, तुहाको पता हो सी साडे कराची दे नाल ही तकरीबन कोई 400 किलोमीटर है भैया दूर, तो अज असा उत्थे वेंदे पए हां। कित्थे वेंदे पए हां? सेवन शबाज कलंदर ना, उर्स लगो आई तसा वजना आई, लेकिन थोड़ा लेट थी गया, लेकिन हम इंशाल्लाह वेंदे पए। आज साडे व्लॉग को तुसा मिस नहीं करना। आज तो को इंशाल्लाह इंशाल्लाह जना ना कुछ देर बाद, काफी टाइम थी चुका है घरु साडी रवानगी आई, हुन असा रास्ते च है। इंशाल्लाह जना ना काफी सफर कर लिए, काफी काम जना ना बाकी है, जिवें इंशाल्लाह पहुंचने वाल तो चल के जना ना सेवन दा सैल करवेने, सेवन दी माहौल भी खेने शबाज कलंदर दा, तो साडे व्लॉग दे नाल रहणा। हुन जना ना मौजूद है मोटरवे ते, तारिक भाई जान ड्राइव कर रहे हैं, तो हैप्पी भाई जड़े ना पीछे बैठे, हैप्पी भाई जड़े ना क्या हैप्पी भाई साम साम दे ना नेंद्र पूरी कर के दी आपदी। तकरीबन सानू तकरीबन 2 घंटे थी चुके ना सफर जासे, तो जड़े ना 2 घंटा जड़े ना हैप्पी भाई 1 घंटा साम गई होदी नेंद्र जड़े ना फिट थी चुके। फ्यूल वगैरह पवा लिया, एक वीडियो बनानी है, वीडियो भी बना गई है, हम बांधे पे गाड़ी है। चलें जी तारिक भाई। गाइस जड़े ना इतने सबको थोड़ी जी भूख लग गई है, असाके थोड़ा हल्का पेट पूजा कर गिनो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद पहुँचाए हैं, तो अच तक कुछ हल्का फुल्का खाते वाले इंशाल्लाह अगर रवानगी है, अगर तो आपको मिलते हैं बहुत जल्द जड़े सेवन पहुँच गए। खाना वगैरह खा लिया हूँ इंशाल्लाह रवानगी है वेंदे पाए, तो मैं लोकेशन भी कहना कितना सफर बाद की है 1 घंटा 41 मिनट ना, तो इंशाल्लाह जो ना कुछ ही देर जैसा कंप्लीट कर गिन सूँ। सामने कितनी खूबसूरत फैक्ट्री है, कमाल दी लगती खड़ी है, गाइस बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना। गाइस सामने जड़े ना लोग बसा ते वेंदे पैन, जड़े ना दूर दूर तो आंदे ने, देख सकदे हो तुसा कमाल है, अंदर से बस फुल हो गई जो बाहर बिठा दी लोगों ने, ये लो गाइस कमाल। हैप्पी भाई कितना सफर रह गया यार? बस 40-45 मिनट सफर रह गया इंशाल्लाह। जड़े ना बोझ उस लोकेशन वेखो, बिल्कुल ही सुनसान रोड है, पे सिंगल रोड है, इधर ड्राइविंग करा जड़ा ना बड़ा मुश्किल होता है यार, भाई बड़ी मुश्किल है गड्डी चलाना, तो क्रॉसिंग करना। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी सफर करने के बावजूद काफी थक गए हैं, तकरीबन कोई 5 घंटे सफर किया है, तो हम तकरीबन जड़े ना पहुंच आए हैं चांदी, मिनट बाद जड़े ना सा शबाज कलंदर तो इंटर थी वैसो, ताहे भी भाई थक गया वे बस, तारिक भी गाड़ी चला चला दे बहुत थक गया, तो हूँ मैं खुद भी थक गया, हूँ इंशाल्लाह वेने ज़ियारत करेने शबाज कलंदर की हाजिरी देने, तो आपको भी चल के शबाज कलंदर का दीदार करवेने, विजिट करवेने। ये हूँ जो ना सर इंटर थी होना लै, तो आपको दूर मैं जूम करते विखे ना इतू नज़र आता पियो सी ना सामे, एक मिनट उत्थ अगर वजना है ना, हाली तू सही नज़र कह जाना भी क्लियर, मैं अगर चल के इंशाल्लाह तो अगर भी कहना तो लोग वजन आबादी है सारी माशाल्लाह, सामने लिखो है आई लव सेवन, पहुंच आए काफ़ी थक गए इतना जो आबादी है, रश भी बहुत ज्यादा है। गाइस लोकेशन साड़ी बिल्कुल जो ख़त्म थी चुकी है, क्योंकि सब पहुंच आए हैं, कैंसिल करते हैं,
ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਔਰਸ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ ਇਰਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੀ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਆਈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਕਮਾਲ ਗਾਈਸ ਗਾਈਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਾਰਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਕ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जड़े ना सेवन पहुंचाए चेकिंग वगैरह करवाते एंट्री थी चुकी है कमाल गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जी काकू छाया है कि शबाज कलंदर पहुंचाए तो काफी रश आई मैं व्लॉग को ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया इबादत वगैरह की थी वीडियोस वगैरह पिक्चर वगैरह लाइया रिलैक्स हो तो मैं आप व्लॉग का आगाज भी करूँ व्लॉग सारा नाल डिटेल्स दूँ अपडेट दूँ बहुत ज्यादा सुकून मिले बहुत अच्छी जगह तो आपको भी इनवाइट कर सकते इस जगह पर आओ इंशाल्लाह तो आपको सुकून मिलती बहुत ही दिल को सुकून मिलता है शबाज कलंदर पर आते तो बाकी व्यू चेक कर सो अक्सर हर कोई था आते जो ना वीडियो वगैरह भी बड़े थे जियारत भी करे थे तो सब कुछ बहुत अच्छे लगे पहले भी तो याद उसी मैं पिछले साल भी आया हूँ व्लॉग भी तुम वेखो जो मेरे पुराने व्यूअर्स वे तो हम इंशाल्लाह जो ना इबादत वगैरह कर लीए हूँ वापसी वैसे घर की तरफ क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा थी चुके पाँच बज चुके हैं तकरीबन कराची बजने तक पता कराची तो दूर है तो इंशाल्लाह हम रवानगी सारी कराची की तरफ हूँ वेने इंशाल्लाह अगर दूर गाइस हूँ वेदे पे बाहर की तरफ गेट तो साड़ी एंट्री थी आई हमें अस इस गेट तो वापसी वेसु सामने गेट जो चेकिंग वगैरह होते अंदर आने अस तो वापसी वेसु वगैरह चाल नहीं है गाइस हूँ इंशाल्लाह हैदराबाद का टोल प्लाजा जो क्रॉस करते पाए सामने हैदराबाद का टोल प्लाजा टोकन ने गिनते हैं वाले इंशाल्लाह जो कुछ ही देर बाद पहुंच गए कराची हैप्पी भाई क्या खा रहे हो तुम चुप चुप खा काम वेखो कल कल खा दी बैठे संगत रही ही नहीं मोटो है खा खा दे लाजमी जैसे सो लाजमी जितने मेरे व्यूअर्स कराची तो वेदे पे मेरा व्लॉग या पंजाब तो वेदे पे
कौन कौन शहबाज कलंदर आए हुए हैं मेरे को कमेंट लाजमी नहीं सो मुड़ तो उतना फोर्स भी आई ज़्यादा रश भी आई भी आपको पता है कि हर साल उतना तीन है तो इन आडियंस कौन कौन शहबाज कलंदर तो बहुत है मेरे को कमेंट लाजमी नहीं सो गाइज अलहमदुल्ला काफ़ी सफ़र करने के बावजूद जो है कराची टोल प्लाजा पहुँचाए देख सकते हो तकरीबन हम कुछ देर बाद इंशाल्लाह जड़े ना आपके सफर आप दी शॉप ते पहुंच वेसु डिफेंस स्टूडियो ते आप दी स्टूडियो ते पहुंच वेसु इंशाल्लाह टोल प्लाजा दा रश भी बहुत ज्यादा है तारी भाई थक गया की हाल है कितना सफर किया 5 घंटे 4 घंटे तकरीबन 10 घंटे आते जाते यार टोटल 10 घंटे दा सफर आया अगर इतना सफर ऐसा लगातार करूंगा तो यकीन करो कि मैं आपदे गांव पहुंच पंजाब पा वणा लेकिन खाली पहुंचू है ना यावन यावन दा मिला ते वल पंजाब जितना बढ़दा तकरीबन लाइंस लगी हुई है चलो भाई थक गए हम गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जड़े ना कराची दे इधर इंटर थी गए हैं जड़े ना हुन तकरीबन कोई 5-7-8 मिनट बाद जड़े ना आप दी शॉप ते पहुंच वे स्टूडियो ते तो काफी ज्यादा थक गए यकीन करो जड़े ना हालत टाइट थी चुकी हुन ये एंड वाला सफर जड़े ना बड़ा मुश्किल होंदा है बड़ा ही मुश्किल ला गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा ना आप दे स्टूडियो दे पहुंचाए काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा ना तो बाकी एक और चीज़ तो आपको दसाड़े वा काफ़ी लोग वेट चन के स्टूडियो की ओपनिंग कदन उसी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी ओपनिंग करेसूँ वाल तो आपको दसेसूँ शेयर करेसूँ तो इस व्लॉग को मैं ज़्यादा वाडा कहना करसा इस व्लॉग की थैंक करेसा एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के मिलते रहसूँ अल्लाह हाफिज़।